हेलो फ्रेंड्स, जब भी बात की जाती है गर्भावस्था की या फिर किसी स्पेशल फ्रूट की, तो जब भी बात आती है आम की, तब लोग काफी ज्यादा शंका में आ जाते हैं कि क्या उन्हें गर्भावस्था के दौरान आम का सेवन करना चाहिए या फिर नहीं। आम क्योंकि एक मौसमी फल है, यानी कि मौसम के अनुसार ही मिलता है, इसीलिए इसका सेवन करना कई लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है। तो कई लोग ज्यादातर आम का सेवन इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आजकल आम फार्म से ज्यादा मशीनों और केमिकल से पकाए जाते हैं। लेकिन जब बात होती है गर्भावस्था की, तो भी ये सवाल कई लोगों के मन में आता है कि क्या उन्हें गर्भावस्था के दौरान आम का सेवन करना चाहिए या फिर नहीं। तो आइए जानते हैं मेरी आज की इस वीडियो से कि आम का सेवन हमें गर्भावस्था के दौरान करना चाहिए या फिर नहीं। एक शोध से ये बात सामने आई है कि आम के अंदर विटामिन ए, बी, सी, ये सारी चीजें पाई जाती हैं, और उसी के साथ साथ इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट तत्वों की भरमार भी होती है। और एंटीऑक्सीडेंट तत्वों की हमारी बॉडी को कितनी जरूरत होती है, ये मैं आपको अपनी पहले की बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ। एंटीऑक्सीडेंट हमारी सेहत पर पहरेदारों की तरह काम करते हैं, जो कि हमारे पूरे शरीर को किसी भी बीमारी से बचाने से रोकते हैं, जैसे कि कैंसर या फिर कोई भी अन्य बड़ी बीमारी। इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट तत्वों का सेवन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप चाहे तो गर्भावस्था के दौरान आम का सेवन कर सकती हैं, लेकिन अपने डॉक्टर की सलाह लेकर ही। हो सकता है कि यदि आप आम का सेवन करें और आपको आम से पहले से ही एलर्जी हो, तो ये गर्भावस्था के दौरान आपके शरीर के अंदर और ज्यादा गर्मी पैदा कर सकता है। और क्योंकि आप गर्भवती हैं, इसीलिए आपके शरीर के अंदर ज्यादा गर्मी का होना बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यदि पेट के अंदर गर्मी बढ़ गई तो आपका मिसकैरेज भी हो सकता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप इस बात का ध्यान दें, और यदि आप आम का सेवन डॉक्टर से पूछ के कर भी रही हैं, तो आप इस चीज का परामर्श भी जरूर लें कि आपको कितनी मात्रा में और किस किस दिन आम का सेवन करना चाहिए। क्योंकि यदि आपको आम बहुत पसंद है और यदि आपके डॉक्टर ने आम खाने के लिए आपको परमिशन दी है और आपने जरूरत से ज्यादा आम खा लिए हैं, तो भी आपको काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप आम खाने की मात्रा और इसकी क्वांटिटी पर सही तरीके से ध्यान दें, ताकि आपको कोई भी साइड इफेक्ट ना हो और आप एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके। सो फ्रेंड्स, ये है आज की वीडियो। इसे देखिए, लाइक करिए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।